संगीत सम्राट निषाद पटेलिया की हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया, जिसके बाद मैनपुरी में उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। मैनपुरी के लोगों ने उनके निधन पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। पूरे देश में लोकगीत में अपनी अलग ही छवि और ख्याति प्राप्त करने वाले पंडित देसराज पटेरिया का नाता मैनपुरी जनपद से बेहद पुराना रहा है। ऐसा शायद ही कोई कार्यक्रम रहा होगा जिसमें देसराज पटेरिया को बुलाया गया और वे ना पहुँचे हों। जनकपुरी में होने वाले प्रत्येक लोकगीत कार्यक्रम में देसराज पटेरिया की मौजूदगी रहती है। मैनपुरी जनपद का उनका पुराना नाता रहा है। देसराज पटेरिया का हृदय गति रुकने से निधन हो गया, जिसके बाद पूरे लोकगीत महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं मैनपुरी के उनके चाहने वालों ने उन्हें किस तरीके से श्रद्धांजलि दी है और क्या कुछ कहा है, यह जरा आप भी सुनिए। मेरा नाम है प्रशांत। बुंदेलखंड के लोकगीत गायक देसराज पटेरिया का निधन हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी मैनपुरी की जनता पूरी शोक मना रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गायद है। मोहम्मद गायद, आज बुंदेलखंड के लोकगीत गायक देसराज पटेरिया का निधन हो गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि वो बहुत बढ़िया थे गायक, उनका निधन हो गया है तो उसके लिए हमारी मैनपुरी की जनता काफ़ी अफसोस है, काफ़ी दुख है कि उनका निधन हो गया है। जी, मेरा नाम राघव चौहान है। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक गीत गायक देसराज पटेरिया का निधन हो गया, क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसा कि सुनने में आया कि लोकगीत गायक का निधन हो गया, बहुत ही ज़्यादा दुख है और मैनपुरी की जनता बहुत ही ज़्यादा उनको आहत हुआ है और हम सभी लोग भगवान से निवेदन करना चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले